हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA, जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc मैथमेटिक्स, MBA और MCA स्टूडेंट्स के लिए। ऑफ द सब्जेक्ट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटरिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि गेम थ्योरी क्या होता है, उसके बाद में हमने देखा कि गेम थ्योरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बाद में हमने थर्ड टॉपिक क्या देखा था और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज देखे थे, जैसे कि प्योर स्ट्रैटेजी, मिक्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मिक्स्ड और प्योर स्ट्रैटेजी के एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है डोमिनेंस प्रॉपर्टी। तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या होती है और उसका यूज़ कैसे किया जाता है, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो ये अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन गेम थ्योरी देयर आर टू प्रिंसिपल्स। अभी यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला वाला प्रिंसिपल देखिए क्या होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल, और सेकंड होता है मिनीमैक्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल में होता क्या है, इट मैक्सिमाइजेस द मिनिमम गारंटेड गेन ऑफ प्लेयर ए। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द मिनिमम गारंटेड गेन। यहाँ पे क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या मैक्सिमाइज करना है, मिनिमम गारंटेड गेन। ठीक है, ये किसका होता है, प्लेयर ए का होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मिनिमम गारंटेड गेन जो है, गेन किसके लिए है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ए के लिए है, तो हमें क्या यहाँ पे क्या करना है, गेन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और देखिए सेकेंड वाला प्रॉपर्टी क्या है, मिनीमैक्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इट मिनिमाइजेस द मैक्सिमम लॉस। यहाँ पे क्या करता है ये, इट मिनिमाइजेस द मैक्सिमम लॉसेस। देयर ऑब्जेक्टिव इज आइदर टू मैक्सिमाइज द मिनिमम गेन एंड मैक्सिमाइज द मैक्सिमम लॉस। यहाँ पे क्या चाहिए, गेन चाहिए। ठीक है, इट ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द मिनिमम गेन एंड मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉसेस। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रिंसिपल और मिनीमैक्स प्रिंसिपल को कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको विथ एग्जांपल आप आगे जाके आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, अभी जस्ट आप थ्योरेटिकल पार्ट आप बता रही हूँ मैं, उसके बाद में हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, मिनीमैक्स वैल्यू होती है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उसको सैडल पॉइंट बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम हम किसको बोलेंगे, इफ द गेम हैज अ सैडल पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ द सेल एट द सैडल पॉइंट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द गेम। अभी देखिए यहाँ पे गेम का हमने एक टाइप देखा था, कौन सा टाइप, 2% 0-sum गेम। तो यहाँ पे देखिए, इन अ गेम विथ टू प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स हैं यहाँ पे, टू प्लेयर्स हैं। If the gain of one player is equal to the loss of the another player, then that game is called the 2% 0-sum game. अभी यहाँ पे देखिए, ये क्या है, प्लेयर ए, और यहाँ पे ये क्या है, प्लेयर बी। ठीक है, प्लेयर ए के कितने स्ट्रेटेजीज है, 1, 2, 3, और ये जो प्लेयर बी है, तो प्लेयर बी जो है उसके भी कितने स्ट्रेटेजीज है, 1, 2, 3 स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द गेन ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द अनदर प्लेयर देन दैट गेम इज कॉल्ड द 2% 0-sum गेम। अभी यहाँ पे देखिए, इफ यू गेट द निगेटिव आउटकम देन इट इज लॉस टू प्लेयर ए एंड गेन टू प्लेयर बी। अभी देखिए यहाँ पे टू टाइप्स है। ठीक है, अभी देखिए अगर आपको आउटकम पॉजिटिव मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए प्लेयर ए का सपोज हमने ले लिया सेकंड स्ट्रेटेजी, ठीक है, और प्लेयर बी के लिए ले लिया, फॉर एग्जांपल इसके लिए भी हम ले लेते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो प्लेयर ए का सेकंड स्ट्रेटेजी और प्लेयर बी का सेकंड स्ट्रेटेजी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 39। ठीक है, 39 क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हमें आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि प्लेयर ए को क्या हुआ है, गेन हुआ है, और प्लेयर बी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसके ऑपोजिट अगर आउटपुट हमें निगेटिव मिलता है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि प्लेयर ए को क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ है,
और प्लेयर बी को क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है। देखिए क्या है, इफ यू गेट निगेटिव आउटकम देन इट इज लॉस टू प्लेयर ए एंड गेन टू प्लेयर बी। इफ यू गेट द पॉजिटिव आउटकम देन इट इज गेन टू प्लेयर ए एंड लॉस टू प्लेयर बी। दिस इज कॉल्ड एज द टू पर्सन जीरो सम गेम। यहाँ पे जो हमने दो स्ट्रेटेजीज देखे थे, प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, उसका हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं गेम विद प्योर स्ट्रेटेजी का। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल क्या है अपना, फाइंड द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज ऑफ द प्लेयर इन द फॉलोइंग गेम। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्लेयर ए, प्लेयर ए के कितने स्ट्रेटेजीज हैं, 1 2 3। और ये क्या है ऊपर, प्लेयर बी, तो उसके भी कितने स्ट्रेटेजीज हैं, 1 2 3। थ्री स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लेयर ए और थ्री स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लेयर बी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हमें, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज। अभी देखिए पहला स्टेप क्या होता है अपना, सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रो मिनिमम। अभी देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रो मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 20। सेकंड रो में देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है, 45। और थर्ड रो में देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है, 40। ये हमने क्या निकाला, यहाँ पे रो मिनिमम निकाला। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, कॉलम मैक्सिमम। अभी देखिए जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 58। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 58 लिख के लेंगे। अभी देखिए सेकंड कॉलम में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 45। और थर्ड कॉलम में देखिए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 55, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, रो मिनिमम निकाला और यहाँ पे क्या लिया, कॉलम मैक्सिमम लिया, ठीक है। अभी उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमिन। ये जो हमने मिनिमम वैल्यू निकाली है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 45। तो हम यहाँ पे ये 45 सिलेक्ट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमिन पॉइंट, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्या निकाला हमने, हर एक कॉलम के मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, ठीक है। यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी, अभी 45, तो हम इसको अभी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्लेयर ए के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी आ रही है, देखिए 45 है ना, कौन सी स्ट्रैटेजी आती है, सेकंड स्ट्रैटेजी। और प्लेयर बी के लिए देखिए कौन सी स्ट्रैटेजी आ रही है, सेकंड स्ट्रैटेजी। तो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट का कौन सा हो गया, ये 45 आ गया, बराबर। प्लेयर ए का सेकंड स्ट्रैटेजी, देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है हमें, मैक्सिमिन वैल्यू कौन से रो में मिली है, सेकंड रो में, यानी कि सेकंड स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर ए। और अगर कॉलम में देखते हैं तो कॉलम में हमें मिनिमैक्स वैल्यू जो है वो कहाँ पे मिली है, सेकंड स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर बी। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 45 को सिलेक्ट किया है। तो इनका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, 45, ठीक है। तो देखिए आगे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, प्लेयर ए इज कॉल्ड द मैक्सिमिन प्लेयर। प्लेयर ए को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमिन प्लेयर। और प्लेयर बी को क्या बोलेंगे, मिनिमैक्स प्लेयर, मिनिमैक्स प्लेयर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज प्लेयर ए इज मैक्सिमाइजिंग इट्स मिनिमम गारंटेड गेन एंड प्लेयर बी इज मिनिमाइजिंग द इट्स मैक्सिमम लॉस। अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी, प्लेयर ए की सेकंड स्ट्रैटेजी और प्लेयर बी की सेकंड स्ट्रैटेजी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, 45। यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट इज 45 इज कॉल्ड द सैडल पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट बोलेंगे। सैडल पॉइंट हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे मैक्सिमिन वैल्यू इज इक्वल टू क्या होते हैं, मिनिमैक्स वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। हियर मैक्सिमिन वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू, देयरफॉर दिस गेम हैज अ सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 45। हेंस द गेम हैज अ सैडल पॉइंट एट द सेल करस्पॉन्डिंग टू रो 2 एंड कॉलम 2। कहाँ पे मिला है हमें सैडल पॉइंट, रो 2 में और कॉलम 2 में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे प्लेयर ए के कितने स्ट्रैटेजीज हैं, 1 2 3। और हमें सैडल पॉइंट कौन से इसमें मिल रहा है, कौन से स्ट्रैटेजी में मिल रहा है, प्लेयर ए के लिए सेकंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो सेकंड स्ट्रैटेजी पे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या मेंशन करेंगे, 1।
और वन और थ्री जो है स्ट्रैटेजी, उनको क्या कर देंगे यहाँ पे, जीरो कर देंगे। आ रहे धन में, क्योंकि हम कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं, प्योर स्ट्रैटेजी का एग्जांपल देख रहे हैं। प्योर स्ट्रैटेजी में क्या होता है, अगर सपोज यहाँ पे तीन स्ट्रैटेजीज है तो तीनों में से एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी उसका प्रोबेबिलिटी वन रहेगा, और रिमेनिंग जो स्ट्रैटेजी रहती है उसका वैल्यू क्या रहता है, जीरो रहता है। तो यहाँ पे हमें जो सैडल पॉइंट मिल रहा है कौन सी स्ट्रैटेजी पे मिल रहा है, प्लेयर ए के लिए सेकंड स्ट्रैटेजी। तो हम वन और थ्री स्ट्रैटेजी को क्या कर देंगे, यहाँ पे जीरो कर देंगे। सेम तरीके से फॉर प्लेयर बी, यहाँ पे प्लेयर बी में सैडल पॉइंट कौन से कहाँ पे मिल रहा है, सेकंड कॉलम में मिल रहा है, ठीक है। तो सेकंड कॉलम का प्रोबेबिलिटी हम क्या लेंगे, वन, और वन और थ्री कॉलम जो है उसका प्रोबेबिलिटी कितना ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। देखिए तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटीज। ये देखिए प्लेयर ए के कितने स्ट्रैटेजीज थे, तीन स्ट्रैटेजीज थे, वन टू थ्री, और प्लेयर बी के लिए भी वन टू थ्री, पी वन पी टू पी थ्री, और जो प्लेयर बी है उसके प्रोबेबिलिटीज हमने क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे सेकंड स्ट्रैटेजी वन लेनी है, और यहाँ पे भी सेकंड स्ट्रैटेजी का जो प्रोबेबिलिटी है उसको वन लेंगे, और जो रिमेनिंग रहेंगे उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया अपना प्योर स्ट्रैटेजी का एग्जांपल। अभी हम क्या देखेंगे, गेम विथ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं अभी मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। देखिए जो मिक्स्ड, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, प्योर स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जो जो स्ट्रैटेजी हम सिलेक्ट करें ना उसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है, और रिमेनिंग जो भी स्ट्रैटेजीज रहेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमको लिखना है जीरो, ठीक है। चलिए अभी क्या देखते हैं हम, गेम विथ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। कंसिडर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लेयर ए एंड सॉल्व इट ऑप्टिमली। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, प्लेयर ए है, कितने स्ट्रैटेजीज है उसके, वन और टू, और यहाँ पे भी देखिए प्लेयर बी है, और प्लेयर बी के कितने स्ट्रैटेजीज है, वन और टू, ठीक है। इफ द गेम हैज नो सैडल पॉइंट देन द गेम इज ऑफ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। सैडल पॉइंट हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे मैक्सिमिन वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है, मिनीमैक्स वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट। तो जहाँ पे क्या होता है, जिस गेम में सैडल पॉइंट नहीं होता है वहाँ पे, उस गेम को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, मिक्स स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी चेक वेदर देर इज अ सैडल पॉइंट और नॉट, देन प्रोसीड फर्दर। तो देखिए अपना जो अभी मैट्रिक्स है, पे ऑफ मैट्रिक्स 9 7 5 11, प्लेयर ए के दो स्ट्रैटेजीज है और प्लेयर बी के भी दो स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना, हमें क्या निकालना है, रो मिनिमम निकालना है। तो देखिए फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, 7, सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, 5। अभी क्या निकालेंगे हम, कॉलम मैक्सिमम। अभी देखिए मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9, और सेकंड कॉलम में 11, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या निकाला, रो मिनिमम निकाला, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या निकाला, कॉलम मैक्सिमम। उसके बाद में नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें, ये जो हमने मिनिमम वैल्यू निकाले उसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7 और 5 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को सिलेक्ट करेंगे, ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अभी देखिए कॉलम में हमें ये क्या क्या हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मिनिमम। तो 9 और 11 में मिनिमम वैल्यू क्या है, 9, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, 9, तो ये क्या होगी, मिनीमैक्स वैल्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए हम क्या बोल सकते हैं, हियर मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 7, और मिनीमैक्स वैल्यू कितनी मिल रही है, 9। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू, यानी कि 7 इज नॉट इक्वल टू 9, देयरफॉर देयर इज नो सैडल पॉइंट, दिस गेम हैज नो सैडल पॉइंट, देयरफॉर बी प्रोसीड फॉर मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। अभी देखिए मिक्स्ड स्ट्रैटेजी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए स्टेप वन हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ऑडमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ऑडमेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें ऑडमेंट्स फाइंड आउट करने। तो ऑडमेंट्स देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी यहाँ पे देखिए जो अपना फर्स्ट रो है,
9 और 7, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 9 माइनस 7 कितना हो गया 2, तो वो कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ऑडमेंट्स, ठीक है। 9 और 7 का डिफरेंस आ गया 2, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए, 5 और 11, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 11 माइनस 5 6, तो वो कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। ये हो गया रो के लिए ऑडमेंट्स। इस सेम तरीके से हम निकालेंगे कॉलम के लिए। अभी यहाँ पे देखिए, 9 और 5 का डिफरेंस कितना है, 4 का, तो वो 4 कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए, 7 और 11 का डिफरेंस कितना है, 4, तो वो कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया हमने, ऑडमेंट्स। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यहाँ आपके लिए यहाँ पे लिख के देती हूँ। 9 और यहाँ पे हमने 2 कैसे निकालना, देखिए 9 माइनस 7 कितना आ गया 2, तो वो हमें नीचे लिखना है। और 11 माइनस 5 कितना आ गया 6, तो वहाँ पे हमें ऊपर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से सेम वे अपने को कॉलम से ऑडमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आ गया 6 2 और यहाँ पे आ गया 4 4। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, ऑडमेंट्स फाइंड आउट किए। अभी देखिए स्टेप 2 क्या है, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अभी देखिए प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो हमने क्या निकाला है, यहाँ पे रो के लिए और कॉलम के लिए ऑडमेंट्स फाइंड आउट किए। अभी हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट रो के लिए, अभी देखिए फर्स्ट रो में यहाँ पे ऑडमेंट देखिए कितना है 6, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 8, 3/4 आ गया। अभी देखिए सेकंड रो के लिए देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 1/4। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया फर्स्ट रो की प्रोबेबिलिटी 3/4, सेकंड रो की प्रोबेबिलिटी, सेकंड रो यानी कि सेकंड स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए कितना हो गया, 1/4। सेम तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्लेयर बी के लिए। अभी देखिए प्लेयर बी का फर्स्ट स्ट्रेटेजी, वहां पे हम कैसे लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4, ये कितना आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 1/2। सेम तरीके से सेकंड कॉलम के लिए, यहाँ पे भी देखिए कैसे निकालेंगे, ये 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि ये कितना आ गया, 1/2। ये प्लेयर ए है और ये यहाँ पे प्लेयर बी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेयर ए की फर्स्ट स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, सेकंड स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, 3/4 यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 सेकंड कॉलम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल ली। फर्स्ट स्टेप क्या थी, ऑडमेंट्स फाइंड आउट करना था। सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखिए 9 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2। सेकंड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2। ये हो गया रो के लिए। कॉलम के लिए कैसे निकालेंगे, 9 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4। और फोर्थ वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 5 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यूज निकालने हैं। इस तरीके से हमने क्या निकाले, यहाँ पे वैल्यूज निकाल लिए। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई, जिसकी वैल्यू कितनी आई हमें, 8 मिली है। सेकंड वैल्यू उसकी भी वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे 8। थर्ड वैल्यू उसकी वैल्यू कितनी मिली, 8। और फोर्थ वैल्यू उसकी भी वैल्यू 8 मिली है। देखिए पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन का क्या निकालेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए इज P1 प्रोबेबिलिटी, देखिए पहली प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 3/4, और सेकंड प्रोबेबिलिटी 1/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर बी इज 1/2 एंड 1/2, एंड वैल्यू ऑफ द गेम इज कितना आ गया, 8। हेंस द स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लेयर ए
कितनी है 3/4 और 1/4, और प्लेयर बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और 1/2, और वैल्यू कितनी आ गई 8। इस तरीके से हमने क्या किया, इस एग्जांपल को सॉल्व किया है बाय यूजिंग द मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप वेरीफाई कर सकते हो, देखिए मैंने क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी ना एक होती है, एक से ज़्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए 3/4 और 1/4, अगर हम दोनों का एडिशन करते तो कितना आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। यहाँ पे भी देखिए प्लेयर बी 1/2 और 1/2 दोनों का एडिशन किया तो कितना आ जाएगा 2/2 यानी कि 1, यानी कि ये यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है वो फुलफिल हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एग्जांपल सॉल्व किया है विथ मिक्स्ड स्ट्रेटेजी।